वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ़ टाइप वन ऑफ एग्जाम्पल और प्रॉब्लम एन सी आर टी सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यूर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट वन उसमें कहा गया है कि जो कंडक्टिविटी और सेमी कंडक्टर है वो इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर जो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करती है उसके क्या कारण हो सकते हैं तो चार ऑप्शन आपके पास दी हुई हैं तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास अक्वायर्ड नॉलेज है उसके बेस के ऊपर सो so, हम बैंड डायग्राम बनाते हैं और बैंड डायग्राम में ये वाला पार्ट रहा बैलेंस बैंड और ये वाला पार्ट रहा कंडक्शन बैंड और इसके बीच में ये जो इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप यदि आपका सेमी कंडक्टर जर्मीनियम की फॉर्म में हो तो ये बैंड गैप रहेगा जीरो पॉइंट सेवन इलेक्ट्रॉन बोल्ट और यदि ये सिलिकॉन हो तो ये रहेगा वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो बैलेंस शेल के जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो बैलेंस बैंड में होता है क्या बेसिकली बैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड ठीक है और जब आप टेम्परेचर को इनक्रीज करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी एनर्जी गेन करते हैं टेम्परेचर से टेम्परेचर से जो एनर्जी गेन करेंगे ये थ्री बाई टू के टी ओके okay? और यदि ये एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या होगा जिसकी जो नंबर डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी हमने लिखे कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है एन इज के टाओ बाई एम सो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ज़्यादा पहुंचेंगे एज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज इन द कंडक्शन बैंड बट विल हैपन द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड विल इंक्रीज तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ टकराने का जो समय होगा वो घट जाएगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ जब बढ़ जाएगी दिस मीन्स दैट रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन तो जब भीड़ ज़्यादा होगी तो घट टाइम घट जाएगा तो इससे क्या होगा जो कंडक्टिविटी के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन आप यहाँ कोई हम बताएं कि पहला उन्होंने कहा कि यह संभावना हो सकती है कि नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री करंट कैरियर्स विल इंक्रीज चार्ज कैरियर्स होते हैं तो ये ऑप्शन इन करेक्ट हो जाएगी दिस इज द करंट कैरियर्स बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज नो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज थर्ड वन इज द बोथ द नंबर डेंसिटी ऑफ द कैरियर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज बट यहां नंबर डेंसिटी तो इंक्रीज करती है बट रिलैक्सेशन टाइम घटता है ये ऑप्शन भी गलत है तो जो फोर्थ ऑप्शन है

हमारे पास इसमें दिया हो फिगर नंबर फोर्टीन पॉइंट वन ये डायग्राम आपके पास दिया है आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना है बी जीरो इज द पोटेंशियल बेरियर अक्रॉस द पीएन जंक्शन तो पीएन जंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है तो हम पहले पीएन जंक्शन यहाँ बना लेते हैं ओके दिस इज द रिक्वायर्ड पी जंक्शन ये इसका पी साइड हो गया और ये इसका एन साइड हो गया ये हो गया इन दोनों का जंक्शन और जंक्शन में ये जो पार्ट है ए होगा डिप्लेशन रीजन हो जाएगा ओके okay? तो इस टाइम जो है जब इसकी बायसिंग आपने नहीं की है तो यहां जो पोटेंशियल है ना दिस इज बी जीरो पोटेंशियल इज शोन इन द डायग्राम राइट अब होता क्या है कि जब आप जानते हैं यू हैव स्टडीड इन द टेक्स्ट कि जब आप इसको फॉरवर्ड बायस बनाते हैं तो ये जो बेरियर बेर्थ होती है वो घट जाती है ओके okay? इट विल फॉल डाउन तो फॉरवर्ड बाइस में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा फॉर फॉरवर्ड बास इज बी जीरो माइनस सम बी बी राइट ओके सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिसंबर थ्री फॉर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस केस में क्या हो जाएगा बाइसिंग बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो एड हो जाएगी राइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन नंबर वन सो so, मैं इसको कह सकता हूं रिवर्स बायस ओके सो यहां ढूंढी अब इसमें द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग्स टू फॉरवर्ड बायस जंक्शन एंड वन कॉरस्पॉन्ड टू द रिवर्स बायस ऑफ द जंक्शन सो फोर्टीन पॉइंट वन ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट सो ना विल बी मूव मूव फॉर अनदर क्वेश्चन देखिए ये अब हमारे पास सवाल आता है फोर्टीन पॉइंट थ्री इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं इन फिगर फोर्टीन पॉइंट टू अज्यूमिंग दैट दर आइडियल अब हम देखें कि इसमें हमने ढूंढना कि कौन सा फॉरवर्ड सा रिवर्स है इसमें जो वोल्टेज इस ना माइनस टेन बोल्ट से जुड़ा हुआ है और ये जो डायोड डी टू है यहाँ अर्थ है तो यहाँ जीरो बोल्ट होगा ओके सो दिस मीन दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल तो डी टू केस में देखिए इसका जो पी साइड है वो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और जो एन साइड है वो नेगेटिव से जुड़ी हुई है तो डी टू कौन सा है ये फॉरवर्ड बायस्ड है ओके डी वन केस में देखिए इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और इसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो डी वन क्या है ये रिवर्स बायस्ड है अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए हमारे पास है डी वन इज फॉरवर्ड बायस डी वन इज नो रॉन्ग ये गलत है डी टू इज फॉरवर्ड इज रिवर्स बायस करेक्ट पास इसका जो आंसर आएगा फोर्टीन पॉइंट थ्री बी दिस इज द राइट ऑप्शन अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट फोर दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट फोर सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट फोर में ये दिया हुआ है कि ए टू ट्वेंटी बोल्ट ए सी सप्लाई टू ट्वेंटी बोल्ट ए सी सप्लाई कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ए और बी के बीच में यहां आप देखिए यहां जो आपकी इनपुट है वो टू ट्वेंटी बोल्ट है एंड वट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द कैपेसिटर सो कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा हुआ आउटपुट कितनी होगी ठीक है तो आप ये देखें कि इसमें सिंगल डायोड जो है वो ऑपरेशनल है ओके okay? और इसमें जो आउटपुट आएगी वो तो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगी एंड दिस दिस इज दिस विल एक्ट एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और ये जो फिर पीक वैल्यू होगी वो हो जाएगी दिस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू वी रूट मीन स्केयर टाइप टाइम अंडर रूट टू सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम अंडर रूट टू वोल्ट हो जाएगा क्लियर सो नेक्स्ट वी विल मूव अहेड फॉर द अनदर क्वेश्चन अब होल क्या होता है यहां पूछा है बट इज होल सो होल इज पहली ऑप्शन दी है अब होल के बारे में कितना जानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो जो होल है देखिए ये है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया है नहीं इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता वो पॉजिट्रॉन होता है सो so, ये ऑप्शन तो गलत है दिस ए वैकेंसी क्रिएटेड वैन एन इलेक्ट्रॉन लीवज ए कोबल एंड बाउंड दिस इज करेक्ट ऑप्शन एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नो एन आर्टिफिशली क्रिएटेड पार्टिकल नो सो द राइट ऑप्शन इज होल इज बेसिकली ए वेकेंसी क्रिएटेड वेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द कोबल एंड बाउंड इसके बारे में आप जानते हैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है ओके okay? आप दे टेक्स दोहरा के इसको समझने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छी बात है सो वेन टेम्परेचर विल इंक्रीज वट विल है साइट राइट वेन इट लीव द साइट वट विल हैपन देन देन देयर इज अ वैकेंसी क्रिएटेड एट दिस पॉइंट जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा फ्री हो जाएगा देन वैकेंसी इज क्रिएटेड ओवर देयर ओके दिस इज द होल सो होल के बारे में हमें अ वैकेंसी बिहाइंड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम जो नेबरिंग एटम से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां को मूव करेगा राइट right? तो यहां फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा तो इससे होल बनता है होल इज कंसिडर्ड एज ए सीट ऑफ बेसिकली इट इज कंसिडर एज ए सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ठीक है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बेसिकली होल एक्ट एज ए वर्चुअल चार्ज ठीक है एंड ऑल दो देर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट एंड इफेक्टिव मास ऑफ दिस होल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इसकी जो मोबिलिटी ऑफ द होल है दिस इज लेस देन दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल टू अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो अब हम चलते हैं तो हमारे पास रहा कि जो फोर्टीन पॉइंट फाइव का जो राइट right आंसर रहा वो होगा बी अब हम चलते हैं आगे हमारे पास अब प्रॉब्लम आएगी फोर्टीन पॉइंट सिक्स विल ट्राई टू अटैम्प दिस प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन पॉइंट सिक्स इसके से आप गो थ्रू होते हैं ये रही प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन पॉइंट सिक्स आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट हमारे पास है फिगर फोर्टीन पॉइंट फोर इसका आउटपुट कितना होगा दिस आउटपुट वुड बी जीरो एट ऑल द टाइम यहाँ यहाँ देखिए इसमें इनपुट में क्या है एक ए सी सिग्नल है ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास डायोड है अब हम देखें कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है यहाँ एक कोई एक रेजिस्टेंस है ओके स्वामी यहाँ लिखें कि हमारे पास जो करंट होगा ना इसमें वो होगा इनपुट वोल्टेज वी और वी अपॉन आर तो यह आ जाएगा आर और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड ठीक है जब आपका इनपुट सिग्नल जो ए सी सिग्नल होगा ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे करके ठीक है तो फर्स्ट हाफ में जब आप इसको भेजेंगे जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा डायोड इज फॉरवर्ड बायस तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो मिनिमम हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा करंट इंक्रीज हो जाएगा करंट इंक्रीज होने के बाद क्या होगा यहां जो है वो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी ओके बिकॉज ऑफ दैट लार्ज वोल्टेज ड्रॉप विल कम अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एट द डायोड बट वेन इट इज रिवर्स बायस जब ए आई वन दूसरी कंडीशन में क्या होगा वैन इट इज ए रिवर्स बायस रिवर्स बायस होने के बाद क्या होगा जो डायोड का रेजिस्टेंस जो वो बढ़ जाएगा राइट right? सो so, यहां से क्या होगा वैन दिस डिनोमिनेटर विल इंक्रीज द न्यूमेरेटर विल इंक्रीज देर इज ए स्मॉल करंट स्मॉल करंट की वजह से क्या होगा स्मॉल बोल्ट ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड देन यू विल हैव द आपके पास आंसर फिर यह बन जाएगा द वुड लाइक इट्स ए हाब एव रेक्टीफायर की तरह काम करेगा विद ए नेगेटिव साइकिल आउटपुट ये इसका आंसर हो जाएगा तो जब इट इज एट रिवर्स बायस तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा यहां स्मॉल करंट आएगा स्मॉल करंट की वजह से यहां ड्रॉप लेस होगा एंड देयर इज ए विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर सेवन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहां देखना आपने इन द सर्कट शोन इन द फिगर नंबर फोर्टीन पॉइंट फाइव ये रहा आपके पास फिगर नंबर फोर्टीन पॉइंट फाइव इफ द डायोड इज फॉर इफ द डायोड फॉरवर्ड बोल्टेड ड्रॉप अक्रॉस इज जीरो पॉइंट थ्री यहाँ से जो बोल्टेड ड्रॉप होती है वो है जीरो पॉइंट थ्री बोल्ट राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो इसमें हम क्रिच ऑप्स का वोल्टेज रूल लगा देते हैं तो दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल ए एंड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट जीरो पोटेंशियल राइट right? तो मैं इसको मैं यहाँ लिख देता हूं इसकी क्वेश्चन जो बनेगी बी ए बी माइनस आई आर यहां आप लगाइए ये रहेगा आई आर तो यहां आई होगा जीरो पॉइंट टू मिली एमपियर माइनस थ्री इंटू रेजिस्टेंस होगा फाइव किलो ओम फाइव क्रॉस पावर थ्री और जब आप इस रीजन में आएंगे तो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा जीरो पॉइंट थ्री ओके जब आप इस रीजन में आएंगे यहाँ आप वोल्टेज क्या होगी आई आर तो करंट आपके पास है जीरो पॉइंट टू मिली एमपियर और रेजिस्टेंस एक बार फिर से है फाइव क्रॉस टेंड पावर थ्री राइट एंड दूसरा एंड पर है वोल्टेज जीरो लिख दीजिए आपके पास आएगा वोल्टेज बिटवीन द एंड ए एंड बी माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो और यहाँ से आएगा वन और माइनस जीरो पॉइंट थ्री यहां से फिर आएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वन एंड वन टू दिस इज टू पॉइंट थ्री वोल्ट ओके दिस मीन दिस इज द राइट ऑप्शन इट इज सो सिंपल क्वेश्चन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट एट तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन बहुत आसान है टुथ टेबल फॉर द गिवन गिवन इन द फिगर नंबर फोर्टीन पॉइंट सिक्स तो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास जो इनपुट है वो ए है तो यहाँ से यहाँ जाएगी तो ए रहेगी यहाँ से इनपुट आएगी बी तो यहाँ आप लिख दीजिए बी यहाँ आपके पास एंड गेट लगा हुआ है तो ये इनपुट आपकी इसकी जो आउटपुट होएगी ए इंटू बी हो जाएगी यहाँ से ये यह जो इनपुट है इसका एक टर्मिनल इधर की ओर जा रहा है तो यहाँ से बन जाएगी ए बार ये बन जाएगी ए बार और यहां रहेगी बी एंड गेट से गुजरेगी तो ये हो जाएगी ए बार बी अब यहां आपके पास इनपुट आ गई ए इंटू बी एंड ए बार इंटू बी बट ना दिस गेट इज और गेट दिस गेट इज और गेट नॉट एंड गेट राइट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस और गेट ये दोनों जुड़ जाएंगे ई इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार बी ऐसा हो जाएगा बी आप यहां से कॉमन ले लीजिए आपके पास बन जाएगा बी अंदर बचेगा ए प्लस ए बार अब हम बोलन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे यहां हम लिख देंगे बी नो दैट ए प्लस ए बार जो होता है हमेशा बन होता है तो आपके पास आ जाएगा बी इंटू बन इज इक्वल टू बी मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का वैल्यू होगा वही आउटपुट होगी अब यहां देखिए आप किस में बी का वैल्यू जस्ट आउटपुट के बराबर है यहाँ जीरो है यहाँ वन है ये आंसर नहीं है यहाँ जीरो है ये वन है ये आंसर भी नहीं है यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ वन यहाँ वन यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ वन यहाँ वन दिस इज द राइट ऑप्शन सो इन द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट एट द राइट ऑप्शन इज सी विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज द वीडियो थैंक यू